हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। तो आज हम आए हैं करीम्स में। सो मैं आपको बताती हूँ, करीम्स जो यहाँ का है, ये लखनऊ में है, और ये अगर आपने दिल्ली में इसका टेस्ट लिया होगा तो सेम फ्लेवर यहाँ पे भी है और काफ़ी अच्छा है, बहुत ही टेस्टी है। वो आपको अंदर जो इतना पूरा रेस्टोरेंट भरा हुआ है उससे आपको पता चल जाएगा। और अभी हम अंदर चलते हैं, और अभी हम अंदर जा रहे हैं, और हमें ऑफ कोर्स हमें वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये हमेशा फुल रहता है, हमेशा यहाँ पे। कभी भी जैसे अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं, संडे वनडे सैटरडे को ही फुल रहता है, तो हम संडे सैटरडे छोड़ के वर्किंग डेज में जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ हमेशा ही फुल रहता है। और इनफैक्ट अगर फेस्टिवल वगैरह हुए तो और ज़्यादा फुल हो जाता है, मतलब फिर तो आपको कोई बुकिंग वगैरह पता नहीं होती नहीं होती, मुझे ही नहीं पता, पर नहीं मिलती है जगह जल्दी, तो काफ़ी देर तक वेट करना पड़ता है। तो अभी क्योंकि खाला खालू जाने वाले थे तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पे ऐसी छोटी सी पार्टी लेने खाला से, क्योंकि उनका वीज़ा आ गया था और वीज़ा की पार्टी तो बनती है इतनी जल्दी। वीज़ा जल्दी लगता नहीं है ना। और उसके बाद फिर अभी करीम्स में यहाँ पे शायद मे भी फ़ोटोशूट के लिए इन्होंने ये एरिया बना रखा था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं काउंटर है, तो काउंटर पे ये काउंटर है, और ये आप देख सकते हैं कि एकदम मुग़ल स्टाइल में बना रखा है, जो आर्किटेक्चर है वो भी पूरा मुग़ल स्टाइल में। ऐसा आपको दिल्ली में आई थिंक देखने को मिलता है, जो दिल्ली में मॉन्यूमेंट्स हैं वो इस तरीके से ही बने हुए हैं। और वहाँ पे मे भी आपको देख आपने गए होंगे दिल्ली घूमने, मॉन्यूमेंट्स देखा होगा वहाँ का, तो पता होगा। और हमें फाइनली पर्सनल केबिन एक मिल गया था, तो जो पर्सनल केबिन था वो बहुत ही सही होता है, क्योंकि बाकी जो बाहर के लोग होते हैं उनसे इंट्रैक्शन नहीं होता है, तो जो चाहो जैसे चाहो खाओ बैठो, जो चाहो जितना चाहो बोलो, सब रहता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती। अभी मामा मेन्यू से ऑर्डर दे रहे हैं, वो अलग बात है कि वो हम लोगों से सबसे पूछ के दे रहे हैं ऑर्डर, क्योंकि ऑफकोर्स सब कोई अलग अलग खाता है। जैसे नानी चिकन नहीं खाती हैं, और हम लोग ज़्यादा मटन वटन नहीं पसंद करते हैं, तो इसलिए सबसे पूछ के ऑर्डर दिया जा रहा है। तो यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा झूमर लगा हुआ था, और यहाँ का आर्किटेक्चर हुआ कि आई थिंक ये वुड का बना हुआ है। और फिर अभी सब मेन्यू डिसाइड कर रहे हैं, एक दूसरे में बात कर, मतलब कंपैरिजन करके देख रहे थे वो दिल्ली वाला करीम्स की और यहाँ वाले करीम्स की। तो मैं वीडियो बनाने में बिज़ी थी और बाकी सब मेन्यू देखने में बिज़ी है। तो लेट्स सी, अभी भैया आ गए हैं, अब उनको हम बताएंगे, ऑर्डर देंगे। वो जैसे जैसे डिश लाते जाएंगे मैं आप लोगों को डिश का नाम बताती जाऊँगी। और वहाँ की एक डिश है जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, तो आप जब भी जाइएगा वो ज़रूर ट्राई करिएगा। फाइनली मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया, थोड़ी देर, मतलब कुछ एटलीस्ट 5-10 मिनट्स तो ऑफकोर्स लगता ही है। तो फिर प्लेट हमारी लग गई थी, सैलड आ गए, अब इसके बाद चटनी वगैरह। तो इधर आ गया हमारा सीख कबाब, और ये आपको बिल्कुल दिल्ली वाला फ्लेवर देगा। मतलब मुझे यहाँ, मतलब लखनऊ का जो टुंडे कबाब और काकोरी है ना, वो मुझे उतना पसंद नहीं है क्योंकि मैं यूज़ टू नहीं हूँ उसके, तो मुझे दिल्ली वाला सीख कबाब बहुत पसंद है, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये है वो डिश जो आप ज़रूर 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 जाके ट्राई करिएगा, ये मलाई चिकन टिक्का है, ये आप ज़रूर जाइएगा और ट्राई करिएगा, और ड्राई वाला ही लीजिएगा। मतलब हम लोगों ने ड्राई वाला ही लिया था, ग्रेवी वाला तो पसंद नहीं है ज़्यादा कुछ। तो अभी मामा सबको सर्व कर रहे थे, तो ये मेरी फेवरेट डिश है। वैसे तो सबने सब कुछ एक 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 पारी लिया था, क्योंकि और ये है चिकन बर्रा, जो कि मुझे चिकन बर्रा भी बहुत पसंद है, पर पता है मलाई चिकन टिक्का के सामने चिकन बर्रा उतना टेस्टी नहीं लग रहा था, पर चिकन बर्रा भी बहुत टेस्टी होता है। और ये है खमीरी रोटी,
मतलब खमीरी नान, और ये देखिए बहुत कितनी फूली हुई है, कितनी ज़्यादा टेस्टी दिख रही है, और ये बहुत ही सॉफ्ट है। जब आप इसको ये देखिए तोड़ के मामा दिखा रहे हैं, ये बहुत ही सॉफ्ट थी, बहुत ही टेस्टी होती है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत सॉफ्ट होती है। ये तो मैं पीछे से दिखा रही थी। और अभी ये है आई थिंक मटन है और ये है चिकन, तो ये मटन की है मटन जहांगीरी, जो कि मेरी नानी क्योंकि चिकन नहीं खाती हैं तो उनको उनके लिए आया था मटन। और ये है चिकन चंगेज़ी, तो ये चंगेज़ी था जो कि बहुत तीखा होता है, और मैंने अपने लिए मंगाया था रायता, क्योंकि नॉनवेज के साथ अगर रायता ना हो तो मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, मतलब मुझे टेस्टी नहीं लगता है। तो फाइनली मामा ने ज़ीरा राइस मंगा ली है और अभी वो ज़ीरा राइस सर्व कर रहे हैं। आप ये भी ट्राई करिएगा, काफ़ी टेस्टी था, मतलब ज़ीरा राइस तो अच्छा ही होगा, अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था। जैसा कि आप देख सकते हैं आधा तो खाली हो गया है, उसके बाद मुझे दिखाने को मिला है, तो मैं आप लोगों को आधे पे ही दिखा रही हूँ। फिर अभी हम स्वीट डिश ऑर्डर करे हैं, तो स्वीट डिश में हमने ऑर्डर किया था शाही टुकड़ा, और आप देख सकते हैं इस पर कितना ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स वगैरह लगे हुए हैं, मतलब बहुत अच्छे से इन्होंने शाही टुकड़ा भी दिया हुआ है। और वो ये हमने टेस्ट करके देखा और ये बहुत ही टेस्टी था शाही टुकड़ा भी। और खालू ने ऑर्डर किया था अपने लिए कोक, और कोक बिल्कुल US का जो उनका फ्लेवर है वो उनको आ रहा था। और जो है अभी सब ऐसे ही बातचीत कर रहे हैं, और वहाँ पे इस तरीके से सौंफ मिलती है, एक छोटा सा पैकेट मिलेगा आपको, और इसके अंदर सौंफ होती है, मिश्री होती है। और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये पूरा खोल के कि इसके अंदर क्या क्या होता है, मुझे तो खुल नहीं रहा था, खैर मैंने अपनी बहन से खुलवाया था। तो ये आप देख सकते हैं पे वॉशरूम भी बहुत ही नीट एंड क्लीन है। ऑफकोर्स हम लोग बस वॉशरूम इसलिए ही देखने आए थे कि हम लोग आपको ब्लॉग में दिखा पाए कि वॉशरूम यहाँ का बहुत नीट एंड क्लीन है, और यहाँ पे हम फोटो लेने आए थे दैट से। तो अभी हम लोग वापस घर जा रहे हैं, और घर जाते टाइम रास्ते में हम लोग कुछ खाने का सोच रहे थे, तो अभी वो खाएँगे तो वो भी आपको दिखाएँगे। और अभी हम लोग बाहर थोड़ी फ़ोटो वोटो लेंगे। तो फाइनली हम लोग पहुंचने वाले, और हम लोग पहुंच गए हैं आइसक्रीम खाने के लिए। आइसक्रीम खाने की सबसे बेस्ट प्लेस है ये, मतलब हम लोगों को वर्डी लाल की आइसक्रीम पसंद है, वो जो पीछे आप लोगों को ज्ञानीज़ दिख रहा है वहाँ के, वो ज्ञानीज़ है बास्किन रोबिन, ये गोल मार्केट है, यहाँ पे सब कुछ है। तो अभी फ़िलहाल सब कुछ बंद हो चुका है क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, और हम लोग वर्डी लाल से सब वनीला आइसक्रीम ले लेते हैं। सो गाइज़ प्लीज़ सब्सक्राइब मी, लाइक शेयर एंड डू कॉमेंट। तो आप लोग मेरी वीडियोज़ को ढेर सारा शेयर करें अपने फ्रेंड्स में और फैमिलीज़ में। सो बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड नाइट, टेक केयर।